डिवीजन आपके एक ही पेज में कैसे, देखिएगा। राजस्थान की हस्तकला, जो जो बड़े महत्वपूर्ण स्थान हैं उनके संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। देखिएगा, हस्तकला में सबसे पहले तो है आपके पोट्री, ठीक है। उसके बाद में चर्चा करेंगे आपके हस्तकला, फिर है आपके टेराकोटा, फिर है आपके मीनाकारी, फिर है आपके थेवा कला, और एक रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है आपके फड़, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे प्रिंट, प्रिंट एक ही साथ में पढ़ेंगे सारी क्षारी, ठीक है। उसके अलावा तीर कमान, तीर कमान निर्माण के लिए कौन से स्थान प्रसिद्ध रहेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हमारी जो चर्चा होगी वो रहेगी आपके कपड़े की बुनाई पर, कपड़े की बुनाई इस पर। उसके बाद में तलवारों के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हमारी कुछ स्पेशल जैसे मसूरिया साड़ी कहाँ की है, तो ये क्वेश्चन काफी खास बन जाता है, मसूरिया साड़ी। देखिए, सबसे पहली बात है पोटरी। पोटरी क्या होती है, तो चीनी मिट्टी के बर्तन क्या है, पोटरी। पोटरी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ब्लू पोटरी। अब ब्लू पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है तो बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं जयपुर, लेकिन एक नाम जरूर याद रखना है आपको ब्लू पोटरी से संबंधित, वह है कृपाल सिंह शेखावत। कौन है, कृपाल सिंह शेखावत। और ये जो कृपाल सिंह शेखावत है 1974 के अंदर इनको क्या मिला है, याद रखिएगा, पद्मश्री, ठीक। ये हो गई ब्लू पोटरी। अब है आपके सामने ब्लैक पोटरी। ब्लैक पोटरी जो है वो आपके कोटा की और याद रखिएगा सवाई माधेपुर की प्रसिद्ध है। एक होती है आपके सुनहरी पोटरी। सुनहरी जो पोटरी है वो है आपके बीकानेर की प्रसिद्ध। कहाँ की है, बीकानेर की। एक पोटरी है आपके कागजी पोटरी, और कागजी जो पोटरी है ये आपके कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके अलवर। एक है आपके, एक पोटरी है पोकरण पोटरी, और पोकरण पोटरी का मतलब आप सभी जानते हैं, वो है आपके जैसलमेर। ये आपके क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसलमेर, ठीक है। यहां पर दूसरी जो है वो है आपके उस्ता कला। ये कौन सी है भाई, उस्ता कला। उस्ता जो कला है ये क्या है, तो आप कहेंगे ऊंट की खाल पर होने वाली कला कौन सी है, उस्ता कला। उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा बीकानेर की। और एक व्यक्ति का जरूर नाम याद रखिएगा, वह है हिशामुद्दीन उस्ता। कौन सी है, हिशामुद्दीन उस्ता, क्लियर। ये याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक है आपके टेराकोटा। ये टेराकोटा कहां की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा मोलेला गांव की। मोलेला गांव कहां पर है, याद रखिएगा राजसमंद में, ठीक है। ये होती क्या है टेराकोटा, तो मर्ण मूर्तियां हैं ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और टेराकोटा से संबंधित एक व्यक्ति का जरूर नाम याद रखिएगा, मो से मोलेला और मो से मोहनलाल, और एक और याद रखिएगा नाम ओम प्रकाश गालव, ठीक है, जो आपके अलवर के हैं। अगली है आपके मीनाकारी। ये जो मीनाकारी है ये आपके जयपुर की प्रसिद्ध है, और याद रखिएगा मीनाकारी से संबंधित एक व्यक्ति जिनका नाम है कुदरत सिंह, पद्मश्री से सम्मानित हैं ये, ठीक है। अगली है आपके थेवा कला, और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा प्रतापगढ़। कौन सा परिवार याद रखना है, तो याद रखिएगा सोनी परिवार। कौन सा है, सोनी परिवार। एक व्यक्ति का नाम याद रखिएगा नाथूजी सोनी, नाथूजी सोनी। एक है आपके फड़। फड़ मतलब क्या है, तो किसी
कपड़े या पर्दे पर किसी महापुरुष, किसी घटना, किसी लोक देवी देवता का चित्रांकन करना क्या कहलाता है? फड़। और फड़ कहाँ की है? तो याद रखिएगा शाहपुरा। शाहपुरा है आपके भीलवाड़ा। नाम याद रखिएगा सिरलाल जोशी, यानी कि जोशी फैमिली, जोशी परिवार। जोशी परिवार से संबंधित है आपके कौन सी? याद रखिएगा फड़, चित्रण, सिरलाल जोशी। पोटरी हो गई, उस्ता कला हो गई, टेराकोटा हो गई, मीनाकारी हो गई, थेवा कला और फड़। आगे देखिए प्रिंट। प्रिंट के अंदर देखिए, प्रिंट की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा अजरक और मलीर प्रिंट, ये दोनों ही संबंधित हैं आपके किससे? तो आप कहेंगे दोनों ही संबंधित है बाड़मेर से। ठीक, प्रिंट में ही है आपके आजम, जाजम, वे दाबू प्रिंट। और ये तीनों तीनों जो प्रसिद्ध है, ये आपके जिस जिले की है वो जिला है आपके चित्तौड़गढ़। स्थान पूछ ले तो दाबू याद रखिएगा अकोला। इसके अलावा प्रिंट में दो प्रिंट और है, एक तो है सांगानेरी प्रिंट, और सांगानेरी जो प्रिंट है ये आपके सांगानेर जयपुर की, और एक है आपके बगरू प्रिंट जो बेल बुंटे पर आधारित है, ये भी आपके बगरू जयपुर की। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीर कमान की बात करते हैं तो विशेष ध्यान रखिएगा दो स्थान तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है, एक तो बोडीगामा, बोडीगामा स्थान है डूंगरपुर में, और एक है चंदू जी का घड़ा। और चंदू जी का जो घड़ा है वो है आपके याद रखिएगा बांसवाड़ा में। कहां पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बांसवाड़ा। कपड़े की बुनाई की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक तो आते हैं नमदे। नमदे कहां के प्रसिद्ध हैं? याद रखिएगा टोंक के। एक होते हैं आपके खेसले। खेसले कहां के प्रसिद्ध हैं? तो आप कहेंगे लेटाग्राम। लेटाग्राम कहां का है? याद रखिएगा जालोर का। ठीक है, कपड़े की बुनाई के अंदर दरिया। दरिया कहां के प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर दरिया तीन स्थान के प्रसिद्ध है, कौन कौन सी? एक तो है आपके लवाना गांव दोसा, एक है आपके टांकला गांव, याद रखिएगा नागौर, और एक जो दरिया है वो आपके सालावास की प्रसिद्ध है। और सालावास कहां पर है? तो याद रखिएगा जोधपुर। सालावास कहां का है? आपके जोधपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन याद रखिए, लेकिन गलीचे, अब गलीचे कहां के प्रसिद्ध हैं? तो याद रखिएगा जयपुर के। लेकिन आपको पूछे कौन सी जेल के अंदर गलीचे बनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा बीकानेर। तो कहां के पूछे? तो याद रखिएगा बीकानेर। तलवार के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा सिरोही। कौन सा है? सिरोही। मसूरिया साड़ी कहां की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा कैथून कोटा। कैथून कोटा। इसके अलावा याद रखिएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है बंदेज कला। बंदेज कला का मतलब है बांधो और रंगो। बंदेज कला क्या है? बांधो और रंगो। इंग्लिश में बोले तो टाई एंड डाई, यानी कि मनपसंद डिजाइन का कपड़ा प्राप्त करने के लिए जो कला है वो है बंदेज कला। और ये कहां की है? याद रखिएगा जयपुर की। बंदेज कला कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। एक आपके बादला क्या है? तो याद रखिएगा बादला प्रसिद्ध है आपके मारवाड़, यानी कि जोधपुर का। कहां का है? मारवाड़ यानी कि जोधपुर का। जस्ते से निर्मित पानी का आवरण जिसके चारों ओर कपड़ा लपेटा होता है उसे क्या बोलते हैं? बादला। तो ये बादला है, ये मसूरिया साड़ी है, ये बंदेज कला है, ये आपके दरिया है, नमदे हैं, खेसले हैं, ये गलीचे हैं, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा एक मोठड़ा होता है, मोठड़ा का साफा। मोठड़ा का साफा भी आपके कहां का प्रसिद्ध है? याद रखिएगा जोधपुर। ठीक है, एक आपके जूतियां। ठीक है, जूतियां कहां की प्रसिद्ध है? जूतियां जिसे आप बोलते हैं मोजड़ी, वैसे ये प्रसिद्ध तो है जोधपुर की, लेकिन जब आपके एक नाम और जोड़ दिया जाए वह है कास्तदारी, तो याद रखिएगा कास्तदारी जो जूतियां हैं वह है आपके भीनमाल की प्रसिद्ध। कहां की है? भीनमाल। जूतियों से याद रखिएगा बिनोटा क्या है? बिनोटा क्या है? बिनोटा, तो आप कहेंगे बिनोटा होता है आपके दुल्हा और दुल्हन की जूतियां। दुल्हा और दुल्हन की क्या होती है? जूतियां, याद रखिएगा बिनोटा। ठीक है, दुल्हन की ओढ़नी क्या कहलाती है? याद रखिएगा क्या? दुल्हन की ओढ़नी। और दुल्हन की जो ओढ़नी होती है
ओढ़नी उसे क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा पौंरी, क्या बोलते हैं उसे, दुल्हन की ओढ़नी कहलाती है पौंरी। इसके अलावा याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, दामणी क्या है, दामणी मारवाड़ में दामणी क्या है, याद रखिएगा मारवाड़ में जो दामणी है वो एक प्रकार की ओढ़नी है, वो गाना नहीं सुना आप, दामण नीचे पेरी जुत्ती, ये एक प्रकार की क्या है, दामणी मारवाड़ में एक ओढ़नी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हस्तकला होती है और इस प्रकार से हस्तकला पढ़ी जाती है। एक एक बिंदु आपके सामने, चाहे कोई हस्तकलाएं हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे कपड़े से संबंधित, चाहे दूल्हा दुल्हन की जुतियां हो, चाहे ओढ़नी हो, सब कुछ क्लियर है। तो इस प्रकार से पूरा रिवीजन किया जाता है कि इससे पहले हमने क्वेश्चन कर लिया हस्तकला से, अब शॉर्ट नोट कैसे बनाएं, तो ऐसे बनाएं कि आपको कौन कौन सी चीजें याद रही। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अगले सेशन में अन्य बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल